कराची और हैदराबाद डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात। कराची की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के नतायज ताखीर का शिकार। जिला शर्की, वस्ती और कोरंगी में अपसेट। जमात इस्लामी का 102 यूनियन काउंसिल्स पर कामयाबी का दावा। मुकम्मल नतायज न मिलने पर धरने की धमकी। पीपल्स पार्टी की सिंध भर में 480 नशस्तों पर कामयाबी। कराची में 80 से ज्यादा नशस्तों पर कामयाब। हैदराबाद में 45 और बदीन में 81 सीटों पर आगे। जाम शोरों में 59, टंडू मोहम्मद खान में 21 और दादू में 61 नशस्तें जीत लें। मटियारी में 35, सजावल में 62 और ठट्टा में 63 सीटों पर कामयाबी। फतह के बाद जियालों का जश्न। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से नतायज के फौरी ऐलान का मुतालबा। सईद गनी का नतायज में ताखीर पर हाफिज नईम से टेलीफोनिक राबता। कहा, नतायज में ताखीर से इंतखाबी अमल बिला वजह मुतनाज़े बन सकता है। सिंध के बलदियाती इलेक्शन के नतायज में ताखीर। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की शिकायत का नोटिस ले लिया। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 11 और 12 की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान बोले, जब तक हर वार्ड का मुकम्मल नतीजा ना आ जाए यूसी के नतायज का ऐलान नहीं किया जा सकता।